इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लिखा है सीता मैया कह रही है, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुलभ है, बर दाइनी अब पुरारी प्यारी। आप बर देने वाली हैं और पुरारी माने त्रिपुरारी शिव जी की प्रिया हैं। इतने नहीं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माँ कहती हैं कि आपके श्री चरण कमल की पूजा करके देवता नर नाग मुनि सब सुखी होते। तो जिस भवानी शंकर की शिव शक्ति की सेवा करके सब सुखी होंगे हो, तो उसकी सेवा करके उनकी पूजा करके हम आप दुखी कैसे रह सकते हैं? आप बताओ, नवरात्र आ रहा है, मानस का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ को सुनाइए, चाहे जैसे सुनाइए, नहीं 13 कर सकते हैं, 1 करिए, 1-1 अध्याय 13 कर डालिए, कैसे होगा? जो लिखा पढ़ी में है वो झूठ कैसे होगा? अच्छा, ये बात सही है तो ये गलत कैसे होगी? देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही। देवताओं का तो हमको आपको पता नहीं है, यदि देवता सुखी होते हैं तो हम लोग नर नारी हैं, हम क्यों दुखी रहेंगे? हो हम भी सुखी होंगे। भगवत सेवा शक्ति सेवा करके किसी को दुख नहीं हो सकता। हाँ, उसको सुख नहीं मिलेगा अखंड दीप जलावे उसमें मिट्टी का तेल भर दे, करते हैं कि कड़वा तेल भर देते हैं दरिद्र लोग, तेल है नहा ला। नहीं शुद्ध घी है तो तिल का तेल जला दो, गरी का जला दो, कुछ ऐसा जलाओ जो सुगंध दे, सुबासित सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान को सुबासित। कहते हैं लोग लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे कौन आपके मुंह में जाली लगाए है कि न खाओ, खूब खाओ मरो, किसने आपको रोका है? खूब खाइए, पकौड़ी छानिए, चकाचक रहिए। अरे बीमारी दूर होती है, तो फिर तो किसी को बीमारी ही नहीं हुई, लहसुन प्याज है बीमारी की दवाई है, तो कोई बीमार पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, सब सुखी रहेंगे। अरे जो करना है वो नहीं करना चाहते हो, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जो मनस्वी लोग हैं सब सुखी होते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान को भी शक्ति उपासना करनी पड़ी। सुंदर सुयोग है, जिसके भी जीवन में दुख हो शक्ति उपासना करो, माँ आदि शक्ति पारम्बा भगवती सबका कल्याण करेगी। रक्त बीज का समापन कर डाली माँ, महिषासुर का मर्दन कर डाली माँ, अरे किन किन को समाप्त किया, तो हमारे दुख का नाश क्यों नहीं करेगी माई? अवश्य करेगी। मोर मनोरथ जानहु नीक, नीक माने बढ़िया से, बसहु सदावुर पुरुष, आप सबके हृदय में बसते। माँ के विनय से भरे वचनों को सुनकर भवानी जी गदगद हो गई हो। खसी माल मूर्ति सुन सिय सत्य यशीष हमारा। कौन? जो नारद जी ने कहा था, नारद जी की सब लोग निंदा करते हैं, हम नारद जी के बड़े प्रशंसक हैं। कारण, नारद जी असत्य नहीं बोलते,
नारद जी वही बोलते हैं जो होने वाला होता है। नारद जिसकी बात कभी असत्य न हो उस महापुरुष का नाम है नारद। भगवान को श्राप देके पकड़ा दिए हो आशीर्वाद लीजिए, बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा सोतन धरे हु शाप मम नारद। माने कहा नारद बचन सदा शुचि साचा सो बरु मिल ही जाहि मन। अरे माँ गदगद हो गई और ये छंद बाबा लिखते हैं, सब गाइए। मनु जाहि रचियो मिले सो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधार सुजासी स्नेह जानत रावरो। एहि पाति गौरी असीस सुनी सिय सहि तहि हरषि सखियां हरसी तुलसी भवानी पूजे पोने पोने मुनि तमन मन्ने रचले तुलसी भवानी जाहिराचो मिले सोबर। मन में जो रच रखा है मिलेंगे वही बरस कैसे सहज कव सुंदर। अरे रूप सलोना सांवरो करुणा के घर हैं, करुणा के खजाना हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, आपके प्रेम को वो भी जानते हैं। एक घटना है भैया, आप किसी को प्रेम करो और वह भी आपको वैसा ही उतना ही प्रेम करे तो समझिए धरती पर आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। ये बड़ी विचित्र घटना है। आओ जाना है क्या, जा हरि बोल। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव रे, मने आपको आपके प्रेम को वो जानते हैं। ये बहुत कम होता है। भगवान हमको प्रेम करते हैं कि नहीं इसका पता मत लगाइए। आप जितना भगवान को प्रेम करते हैं भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। अपने प्रेम के भाव को तराजू पर रखिए और भगवान का दूसरे तराजू पर खाली छोड़िए, वो अपने आप क्लियर होगा, व्यवस्थित हो जाएगा। सोचिएगा हम प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, हमारा प्रभु में कितना प्रेम है। क्या हमारा प्रेम केवल जगत के सामान के विस्तार के लिए है क्या? बस तो भगवान ने वो दे दिया, लपटाए रहो, झुनझुना हिलाते रहो, प्रेम नहीं है। कोई गीत है, तुम उसे प्रेम करो वो न तुझे प्यार करे, बेखबर इतना तो करतार नहीं होता, कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। हम खुदे नहीं चाहते हैं कि हमारा भगवत प्रेम दृढ़ हो, हम तो जगत में ही अझुराए पड़े हैं। हो तो माँ कहती हैं आपके प्रेम को वो जानते हैं। सीता मैया गदगद हो गई।
बाके बामांग फड़कने लगे। घर आई, मैया से सब कथा सुनाई, जैसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। रात्रि विश्राम, भोजन, अगला दिन आया। फिर सतानंद जी महाराज को आग्रह करके भेजा है मिथिलापति ने, राजपुत्रों मुनिदेव को लेकर स्वयंवर स्थल पर आइए। स्वयंवर स्थल पर जैसे बाबा विश्वामित्र आए, सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं सुनैना माँ के पास, स्वयंवर स्थल पर विराज नहीं है मेरी माँ। हा हा हा, माँ को देखकर सारे राजा गदगद हो गए। और मेरी माँ रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए। स्त्री पुरुष मोहित हो गए। जनकराज महाराज ने बंदी जनों को बुलाया और कहा मेरे प्रतिज्ञा सुनाइए। बोले बंदी बचन वर सुन हो सकल महिपा, पन विदेह कर बंदी जनों ने प्रतिज्ञा महाराज की सुनाना प्रारंभ किया। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, बाबा शिव का यह पिनाक राहु है, ये कितना कठोर है आप सबको विदित है। रावण और बाणासुर इसको स्पर्श तक नहीं किए, चुपचाप चले गए। आज यही भगवान शिव का कठोर पिनाक राज समाज में जो तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्ण करेंगे। इतना कहना था सब राजा अपने स्थान पर खड़े हुए, धनुष के पास गए, टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए, से झुकाकर बैठ गए। लोग मिल करके कि मिलकर तोड़ेंगे, रचना बनाए भू बसा सदस्य कही बारा। लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन के, कामे बचन सती। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।